कश्मीर से मैं जयपुर आ चुका हूं और आज जो आपने स्वागत किया उसके लिए धन्यवाद देता हूं। अब जयपुर आते ही मुझे पता चला कि बाड़मेर के अंदर साइड को लेकर के ओवरटेक हो रही गाड़ी को कर्नल सोनाराम जो सांसद हैं उन्होंने और उनके गनमैनों ने दो तीन राजपूत भाइयों जो लड़के थे उनके साथ मारपीट की, उनको जान से मारने के लिए धमकी दी, रिवॉल्वर निकाल करके गोली मारने की धमकी दी। वीडियो वायरल हो रहा है, वहां से गुजर रही बस में पे यात्री थे, उन्होंने बस को रोक करके वीडियो बनाया है। वह उस समय गाड़ी का कोई शीशा टूटा हुआ नहीं था, उन लड़कों को जबरन गाड़ी में घेर के ले जाने की अपहरण करने की कोशिश की गई कर्नल सोनाराम और उनके गनमैनों द्वारा। मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और बाड़मेर एसपी साहब से आग्रह करना चाहता हूं कि आपने एक चतुर सिंह को मार करके खा लिया, वो बहुत है, वो भी हम भूले नहीं आज तक। एक साइड मांग ली युवाओं ने, पीछे से हॉर्न बजा दिया तो उनको आप मारोगे पीटोगे, उन पर झूठे मुकदमे दर्ज करोगे। राजस्थान की मुख्यमंत्री से आह्वान करता हूं और मांग करता हूं अविलंब उन युवाओं को रिहा करें। मुख्यमंत्री साहिबा, आपको ये आपके चमचे और दलाल सोनाराम जैसे लोग लेकर के बैठ गए, बीजेपी की 45 से ऊपर सीट नहीं आएगी राजस्थान के अंदर। अगर यही हाल रहा तो आप जांच करवा लो, अगर वो लड़के गलत हैं तो उनको फांसी चढ़ा दो। सुखदेव सिंह होगा मेरी नहीं कहेगा हमारे भाइयों को छोड़ दो, वो गलत है ही नहीं। जो बस पर बैठे यात्रियों ने वीडियो बनाया, आज वायरल हो चुका है वीडियो, वो वीडियो देखो, गाड़ी का कोई शीशा नहीं टूटा हुआ, बाद में शीशा तोड़ा गया है उन लड़कों को फंसाने के लिए। और उसका गनमैन सीधा कह रहा है गोली मार दूंगा गोली मार दूंगा। अरे कितने एक को गोली मार दी तुम लोगों ने, आओ सामने देखते हैं कौन किसको गोली मारता है, कितने दिन तुम लोगों की धमकी हम बर्दाश्त करते रहेंगे। इस प्रदेश की मुख्यमंत्री साहिबा, इस मामले को गंभीरता से लेकर के और जोधपुर रेंज आईजी साहब से भी मेरा आग्रह है, आईजी साहब आपके एसपी से जांच करवाओ, वीडियो के अंदर गाड़ी के शीशे नहीं टूटे हुए हैं, बाद में कैसे टूट गए शीशे, उन लड़कों को जबरन अपहरण करके गाड़ी में डाल के सोनाराम ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हीं लड़कों पर मुकदमा करके उनको अंदर डाल रहे हो। अरे कुछ तो शर्म करो, 4 महीने बचे, 4 महीने पहले ही राजपूत बीजेपी से नाराज हैं, और नाराज क्यों हैं? ये ऐसे गद्दार पूरी बीजेपी को खा गए, ऐसे गद्दार ये 5-4 दिनों के अंदर हैं, तो पूरी बीजेपी को नष्ट कर रहे हैं अंदर ही अंदर। पहले चतुर सिंह को मरा दिया, अब इनको मरा दो। अरे राजपूत होना जुलम है क्या? राजपूत रोड पे नहीं चल सकते क्या? राजपूत साइड मांग करके आगे नहीं निकल सकते क्या? ये बात है राजपूत, कोई भी आओ सामने, कल कश्मीर के अंदर झंडा फहरा करके आया हूं अकेला जा करके, लोग 10-10, 20-20 हजार गए थे, मुंह फूंक सा करके वापिस आ गए। मैं हूं ना राजपूत, मुझे चढ़ा दो फांसी, तुम्हें राजपूत पसंद नहीं है तो। मुख्यमंत्री साहिब आपसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूं, हमारा मांग पत्र संघर्ष समिति ने दे रखा है वो मांगो, हमारी मांगे मानो और इन लड़कों को अविलंब रिहा कर दो, वरना आ रहे हैं हम बाड़मेर, आ रहे हैं बाड़मेर। आप वीडियो देखो, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, हम हमारे भाइयों को नहीं पसने देंगे। जय मां भवानी, जय जय राजपूताना।